Hello everyone, I'm Anshul Bajaj and I'm doing LLB from Lloyd Law College. Welcome to my YouTube channel Know Your Legal Rights. देखिए ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि जब हम प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज को परचेज या फिर अवेल करने जाते हैं तो बहुत से वादे किए जाते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर या फिर सर्विसेज को लेकर, लेकिन ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि प्रोडक्ट की सर्विसेज हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाती है और प्रॉपर लॉ की प्रॉपर लीगल अवेयरनेस ना होने के कारण हम अपने राइट्स का प्रॉपरली यूज़ भी नहीं कर पाते। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि एक उपभोक्ता के क्या कुछ राइट्स होंगे, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर्स के राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो गवर्न करते हैं एक सेंट्रल लॉ से जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कंज्यूमर क्या है। ये कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 21D के अंदर। देखिए कंज्यूमर हर वो व्यक्ति है जो कि किसी वस्तु या किसी सेवा को, किसी गुड्स या फिर सर्विसेज को एक कंसीडरेशन यानी कंसीडरेशन देकर लेता है। कंसीडरेशन का मतलब आप पैसे देकर किसी गुड्स को परचेज करते हैं या फिर किसी सर्विसेज को अवेल करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कंसीडरेशन का होना ज़रूरी है, यानी कि पैसों का होना ज़रूरी है। किसी प्रोडक्ट को अगर आप ले रहे हैं तो आपने पैसे दिए होने चाहिए, यानी कि अगर आप कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट अगर फ्री में लेते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर नहीं होगी, पहली बात। अब अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर मैं दूसरी चीज़ में अगर जो आपको बताऊँ कि जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर आप कोई प्रोडक्ट कमर्शियल पर्पज़ के लिए परचेज कर रहे हैं तो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है आप कवर नहीं हो सकते। इसको मैं एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपकी एक मोबाइल की दुकान है और आपने बहुत सारे मोबाइल जो है परचेज़ किए हुए हैं। अब वो मोबाइल जो है आपकी जो परचेज़ आपकी जो मोबाइल की दुकान है आपने रीसेल के लिए आगे रखे हुए हैं, तो वो जो है एक कमर्शियल पर्पस है, यानी कि आप उस प्रोडक्ट के उस मोबाइल के रियल कंज्यूमर नहीं हैं तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर गवर्न नहीं होंगे। सेकेंड थिंग, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से अगर मैं देखूं, अगर मान लीजिए जो आपकी मोबाइल की दुकान है आपने उसके अंदर अपने लिए एक LCD रखी हुई है अपने खुद के यूज़ करने के लिए, और उस LCD के अंदर मान लीजिए कोई डिफेक्ट निकलता है तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं, तो आप चाहें तो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप चाहें तो केस कर सकते हैं। अगली चीज़ मैं आपसे अगर मैं शेयर करना चाहूँगा कि उस शॉपकीपर का क्या, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने जो मोबाइल परचेज़ किया आगे रीसेल करने के लिए, देखिए लाखों एक्ट हैं, अगर आप चाहें तो उसके अंदर अपने जो है डिफेक्ट को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि एक जो कंज्यूमर है, फाइनल कंज्यूमर है, जो फाइनल उपभोक्ता है, उसको राइट को अपने प्रोवाइड करवाना। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो तीन फोरम्स की बात की गई है। फोरम्स को आप मान के चलिए, एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर मैं आपको कहूँ तो एक कोर्ट की तरह ही मान के चलिए। देखिए फोरम्स के अंदर क्या है, आपको तीन तरह के फोरम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल कमीशन। देखिए इन तीनों के अंदर डिफरेंस अगर मैं आपसे बात करूँ, देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम की अगर मैं बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर अप टू 20 लाख तक के आप मैटर लेके जा सकते हैं। जो 20 लाख तक के मामले हैं वो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर लेके जा सकते हैं। अगर मैं 20 लाख से 1 करोड़ तक की बात करूं तो वो स्टेट कमीशन के अंदर आप लेके जा सकते हैं। 1 करोड़ या उससे ज़्यादा वाले मैटर आप चाहें तो वो नेशनल कमीशन के अंदर लेके जा सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हैं उनके डिसीज़न से, तो आपका मैटर चाहे 20 लाख से कम भी है तो भी आप चाहें तो स्टेट कमीशन में जा सकते हैं, और आप स्टेट कमीशन में भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप नेशनल कमीशन और आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो आप अपील भी कर सकते हैं। अब अगली बात मैं अगर आपसे करूं, हु कैन फाइल कंप्लेंट, कौन व्यक्ति जो है इस कंज्यूमर जो फोरम्स जो बनाए गए हैं कंप्लेंट कर सकता है। देखिए कोई भी व्यक्ति जिसने अपने जो गुड्स और सर्विसेज जो हैं मार्केट से ली हैं, वो व्यक्ति या फिर जिसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज ली गई हैं, जैसे मान लीजिए आपने आपके जो आपका एक मान लीजिए कोई लड़का है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और आप हॉस्पिटल में उसको बच्चे को लेकर गए हैं, तो सर्विसेज जो हैं ली तो आपने हैं लेकिन अवेल कर रहा है कोई और, यानी कि आपका बेटा, तो आप भी चाहें तो इस कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अगर आपको केस को लेके जा सकते हैं अगर आपको उस हॉस्पिटल से सर्विस जो है प्रॉपरली अवेल नहीं होती हैं। तो अगर चाहें तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो भी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकती है, या फिर
एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति जिन्होंने एक साथ गुड्स को परचेज किए हों और जो सेटिस्फाई ना हो, या फिर अगर वो चाहें जिन काफ़ी सारे व्यक्ति हैं जिनकी सेम प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज को लेकर, वो चाहें तो कंज्यूमर फोरम्स के अंदर जा सकते हैं। अब अगली बात में अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाने के लिए, कंज्यूमर फोरम के अंदर जाने के लिए क्या किसी वकील की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए मैं आपको कम्प्लीटली आपको मैं अच्छे से बता दूं कि इस कंज्यूमर फोरम्स के अंदर जाने के लिए आपको बिल्कुल भी किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको एक वाइट पेपर के ऊपर आप चाहें तो अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप खुद चाहें तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन के अंदर या फिर नेशनल कमीशन तक भी आप जाके खुद से अपनी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। अब इसका अगर मैं प्रोसीजर के बात करूँ तो आपने इसके अंदर कैसे आपने जो है एक कंप्लेंट को अगर आपने रजिस्टर करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, एक सिंपल आपने वाइट पेपर लेना है। सिंपल वाइट पेपर के अंदर जो है आपने अपना नाम और अपना एड्रेस, जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट करवाना चाहते हैं उनका नाम और उनका एड्रेस, साथ ही साथ में आपने जो है जो अपने केस के फैक्ट्स लिखने हैं कि आपके साथ क्या कुछ हुआ, कौन सी आपको सर्विसेज के अंदर डेफिशिएंसी है या फिर आपके प्रोडक्ट के अंदर। देखिए मैं आपको थोड़ा सा अगर इसके अंदर गहराई के अंदर लेकर जाऊं तो मैं आपको बता दूं कि जितना हो सके इन फैक्ट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा डेट्स के साथ लिखें कि आपने कब प्रोडक्ट को परचेज़ किया, क्या आपकी बात हुई, क्यों आपको सर्विस नहीं दी जा रही है। प्रॉपरली जितना हो सके उसके अंदर आप अच्छे से एक्सप्लेन करें, जो कि आपके केस को बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। अगर मैं आपसे अगली बात करूं, आपको देखिए इसको सपोर्ट में लाने के लिए आपको कुछ एविडेंसेस की बात पड़ेगी। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कानून की, तो कानून जो है वो कम्प्लीटली जो चलता है सबूतों के ऊपर, तो आपको इसके साथ जो है कुछ सबूत भी लगाने पड़ेंगे। सबूत क्या हो सकते हैं, बिल। देखिए जो आप एक पक्का बिल लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए बिल की बात आ जाती है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते टाइम हम मार्केट से बिल ही नहीं लेते हैं। तो बिल क्यों नहीं लेते हैं, उस प्रोडक्ट की थोड़ी सी जो है कॉस्ट को कम करवाने के लिए। और देखिए इसका लॉस आपको भी है, एक गवर्नमेंट को भी है। देखिए आपको लॉस कैसे है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी केस को प्रूव करना कि आपने ये प्रोडक्ट लिया था। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट को कैसे लॉस होता है, जब एक पक्का बिल आप किसी भी शॉपकीपर से नहीं लेते हैं तो शॉपकीपर टैक्स की चोरी करता है, अपनी अपनी जो है इनकम को कम दिखाता है और इनकम टैक्स भी नहीं भरता है। तो देखिए प्रॉपर जो है बिल लेना ज़रूरी है। बिल लेते टाइम भी आपने ये भी देखना है कि प्रॉपर डेट मेंशन है, क्या जो प्रॉपर ऑथोराइज पर्सन है उसने प्रॉपरली साइन किए हैं। तो ये इन चीज़ों का भी आपको जो है ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जो कि बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं जब आपका केस लीगली प्रोसीडिंग्स के अंदर जाता है। अगली अगर मैं बात करूँ तो लास्ट में आपने क्या करना होता है उसके अंदर, प्रॉपरली अपने साइन करने होते हैं और आपने जो है वो कंप्लेंट जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम जो आपका केस है तो आपने वहाँ पर दे देनी होती है। अगली अगर मैं बात करूँ कि इसकी फ़ीस क्या होगी, देखिए बहुत सी नॉमिनल सी फ़ीस है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव जो है कंज्यूमर्स के लिए, तो बहुत सी एक नॉमिनल सी फ़ीस रखी गई है। अगर आपका मैटर 1 लाख तक है तो आपकी जो फ़ीस होगी वो 100 रुपये होगी। अगर आपका मैटर 1 लाख से लेके 5 लाख तक है तो आपकी फ़ीस 200 रुपये होगी। अगर आपका मैटर 5 लाख से लेके 10 लाख तक का है तो आपकी फ़ीस जो होगी वो 300 रुपये होगी। अगर आपका मैटर 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का है तो 500 रुपये फ़ीस होगी। तो इस तरह से बहुत ही कम फीस रखी गई है। मैक्सिमम अगर आप नेशनल कमीशन तक भी जाते हैं, जिसका मैटर जो है 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का जाता है, जिसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, वहाँ भी अगर आप जाएं तो मैक्सिमम 5,000 रुपये फ़ीस लगती है। अगली अगर मैं बात करूं, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है कि अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आप बिना किए जो है को इनकी जो इसकी फोरम की फ़ीस दी अपना केस जो है लॉन्च करवा सकते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए कोई भी इसके अंदर फीस जो है गवर्नमेंट ने नहीं रखी है। अब अगली मैं बात करूं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट फोरम या फिर कौन से आप जो फोरम के अंदर आप जो है अपनी कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हैं। देखिए जिस पर्सन के अगेंस्ट आप जो आपकी जो प्रॉब्लम है, जिस प्रोडक्ट में डिफ़ॉल्ट आ रही है, या फिर जो वहाँ पे जो जहाँ पे वो अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो कंपनी है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप चाहें तो कंज्यूमर फोरम के अंदर, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर आप अपने कंप्लेंट जो है वो लॉन्च करवा सकते हैं। देखिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स की वेबसाइट है उसके अंदर से भी आप बहुत सारी जो है अपनी
जो है अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसके अंदर देखिए मैंने आपको सिर्फ एक मोटा मोटा आपको जानकारी दी है कि आप कैसे करवा सकते हैं। अगर आप बारीकी से इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट है, आप प्रॉपरली उसके अंदर जाके जो है इसके अंदर सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपने कोई केस लॉन्च करवाना है तो। अगली अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के अंदर जो आप चाहें तो ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट भी जो है लॉन्च करवा सकते हैं, आप चाहें तो टोल फ्री नंबर पर भी अपनी कॉल जो है कर सकते हैं और अपनी अपनी जो है कंप्लेंट के बारे में अपना आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ऐसा बहुत बार देखा जाता है जहाँ पे कंज्यूमर को दबाया जाता है। अगर अगली बात मैं आपसे बात करूँ कि ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस के अंदर जो हैं, जो आरबीआई ने जो गाइडलाइंस की इशू की हैं, देखिए आरबीआई ने क्या किया है, बहुत सी गाइडलाइंस इशू की हैं कि अपने जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन लेकिन जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के होते जो फ्रॉड हैं तो गवर्नमेंट को उसको भी लगता है उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने कुछ ही दिन पहले कुछ जो है अपनी गाइडलाइंस इशू की हैं कि बैंक चैनल्स को अपनी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग करना होगा, प्रॉपरली जो भी इनकी बैंकिंग चैनल से जो आपकी पेमेंट जा रही है उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल ये बताता हूँ, जो आपके पास जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते थे तो आपके पास एक मैसेज या फिर आपकी ईमेल के ऊपर आपके पास एक मैसेज आ जाता था कि आपकी पेमेंट डिडक्ट हुई है। लेकिन अब आरबीआई ने क्या किया है गाइडलाइंस के थ्रू, आरबीआई का कहना यह है कि बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी कस्टमर बैंक्स के थ्रू अपनी पेमेंट कर रहा है तो कस्टमर के पास जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी जानी चाहिए कि अगर अनऑथराइज्ड पेमेंट डिडक्ट हो जाती है तो, कि पेमेंट कोई जो है किसी मिस्टेक से गलती से जो आपकी जो है पेमेंट अगर कट जाती है तो बैंक तो आपका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो भी आपके पास अब साथ के साथ मैसेज में आएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कैसे बैंक को कॉल कर सकते हैं। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी गाइडलाइंस इशू की हैं कि कैसे आप अपनी ट्रांजैक्शंस को जो है प्रॉपर कर सकते हैं। तो देखिए अगला अगर मैं आपसे बात करूं, अगली इसके अंदर जो चेंजेस क्या हुए हैं, अगर मान लीजिए आपको पता लगता है कोई आपकी ट्रांजैक्शंस गलती से हो गई है या फिर आपने नहीं की, अनऑथराइज कोई आपसी बैंक से आपकी अकाउंट से जो है वो पेमेंट डिडक्ट हो चुकी है, तो आप विद इन थ्री डेज जो है आप अपने बैंक को जाके अपने कह सकते हैं, फ़ोन करके उनको बता सकते हैं कि ये कुछ आपके साथ हुआ है। तो आरबीआई ने इसके अंदर प्रॉपरली गाइडलाइन इशू की हैं कि कस्टमर की यहाँ पर लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर 3 दिन के अंदर कस्टमर कंप्लेंट कर देता है जो कि मिसटेकनली अगर उनकी अनऑथराइज पेमेंट डिडक्ट हुई है ना, तो यहाँ पे कस्टमर की लाइबिलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो मानी जाएगी। तो अगली अगर मैं बात करूँ, अगर 3 दिन के बाद होता है अगर आपको ये कंप्लेंट करवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइबल रहेंगे, तो वहाँ पर जो है आपका केस देखा जाएगा, जो बैंक जो है आपको जितना बैंक जो होगा जितना आपको देगा रीजनेबल जो आपका बनेगा वो आपको केस भी कर देगा। सो बहुत सी जो आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की हैं आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, लेकिन जब भी आप अपनी आरबीआई जब अपने अपने ट्रांजैक्शंस करें तो ये ध्यान दें कि प्रॉपरली अपने खुद के कंप्यूटर से ही करें, कि किसी बाहर के ऑनलाइन जो आपके साइबर कैफेज़ वगैरह हैं उनको अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड मत करें, प्रॉपर चैनल्स का यूज़ करें। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने बैंक्स के साथ जो आपके लिंक्स हैं उनको जरूर प्रॉपरली अपडेट रखें, ताकि कोई भी आपके पास अगर अनऑथराइज्ड पेमेंट करती है तो बैंक आपसे जो है लिंक आपसे प्रॉपरली मेंटेन कर सके। सो ये कुछ जो कंज्यूमर के राइट्स हैं कि मैंने ट्राई किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके एक ईजी वे में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है इसके अंदर, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video. This is Anshul Bajaj. Know your legal rights. Thank you.